उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चौथे फेज का चुनाव शुरू हो गया है। यहाँ लखनऊ में इस समय अद्भुत दृश्य देख सकते हैं, पूरा परिवार है और तीन पीढ़ियां हमारे सामने मौजूद हैं जो इस वोट डाल रही हैं। अपर मुख्य सचिव होम यहाँ पर अवनीश अवस्थी जी और पूरी फैमिली अपनी माँ के साथ, बेटी के साथ, बहू के साथ मौजूद है। अद्भुत दृश्य है, उनसे पहले पूछते हैं, हम देख रहे हैं कि इस महापर्व पे पूरा परिवार, तीन पीढ़ी मौजूद है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हम लोग तो बहुत खुश हैं कि हर बार जब भी इलेक्शन होता है, हम लोग ने बिना किसी कमी के पिछले 25 साल से जो है हम यहाँ पर लगातार लखनऊ में वोट डाल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम अपने परिवार के साथ यहाँ वोट डालने आए हैं। हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारी बेटी, सब लोग अभी लखनऊ मेल से सुबह उतरे हैं और सीधे तैयार होकर यहाँ आए हैं कि समय से अपना वोट डालें। हम अपील करेंगे कि हर व्यक्ति जिसका भी वोट जहाँ भी है वो जाए, अपना जो है अपना वोट का इस्तेमाल करे। आगे वाले जो फेजेस हैं, पाँचवें, छठे, सातवें फेज में अगर कोई व्यक्ति बाहर है तो छुट्टी लेकर जो है अपना वोट डालने के लिए अपने घर तक, गांव तक जरूर जाकर वोट डालें। मुद्दा क्या रहेगा इस बार, चूँकि काफ़ी चुनाव जो है बड़ा तगड़ा माना जा रहा है? देखिए, हमारा तो केवल अपील यही है कि लोग अपने मत का इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन ने बहुत मजबूती से चुनाव कराए हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि जो उनका एक नारा है कि हर व्यक्ति अपना वोट डाले, स्वीप की जो व्यवस्था पूरी की है, जगह जगह जिलाधिकारियों ने मेहनत की है, जगह जगह गांव-गांव तक लोगों तक मैसेज पहुँचाया है, मत का इस्तेमाल जरूर करें। डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत स्तंभ यही है जी। मालिनी जी भी हमारे साथ हैं, लोक गायिका भी हैं और आप आज पूरे परिवार के साथ यहाँ आई हैं। पहले तो वोट डाला है आपने, क्या आपको इस समय महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत उत्साह। कल परसों से ही, दो चार दिनों से ही, बल्कि जब से चुनाव शुरू हुए हैं, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमारी बारी आए और हम लोग वोट डाल सकें। हम लोग हमेशा से परिवार आते हैं, वोट डालते हैं। मुझे लगता है इससे एक तो प्रेरणा मिलती है कि लोग आएँ, वोट डालें, और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए जो घर पे रह जाती हैं या नहीं आती हैं किसी भी कारण से, लाचारी से या लाइन में लगने के संकोच से या साधन न मिलने के कारण, क्योंकि कई बार वोट न डालने के बाद भी इस प्रकार की लोगों को भ्रम होते हैं कि बहुत पैदल चलना पड़ेगा या लाइन में लगना पड़ेगा। मैं उन सबसे अपील करना चाहती हूँ, इतनी सुचारू व्यवस्था है, बिल्कुल लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। जैसे ही आप आएँ, और आप देखिए कि उसके लिए भी सारे, चाहे सीनियर सिटीजन्स हों, पानी से लेकर सोफे तक की बैठने की व्यवस्था है, तो आप लोग जरूर आइए और अपना अपना वोट का इस्तेमाल करें। आप एक गायिका भी हैं और लोग आपको बहुत सुनते भी हैं, आज के दिन क्या आप वो देना चाहेंगी थीम जिससे लोग? देखिए, भारत विश्व के सबसे शानदार डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, जहाँ पे गण की भावना और उसकी आवाज की बहुत बड़ा महत्व है। मतदाता इस देश की शान है, जनमत इस देश की पहचान है। हम पर सरकार नहीं थोपी जाती है, हम चुनते हैं। पढ़े लिखे युवा वर्ग, बहनों और भौजाइयों, तुम अब जागो, जिम्मेदारी का वक्त है, दायित्व को निभाओ। अरे जागो रे जागो मेरे यूपी के मतदाता। माता जी साथ में हैं, माता जी आप आज पूरे परिवार के साथ वोट डाले, हम देख रहे हैं व्हील चेयर पे हैं, हिम्मत इतनी आपकी, आप मतदाताओं के लिए एक मिसाल बनी हुई हैं, क्या कहेंगी? सबको अपना अपना मतदान तो देना ही चाहिए, ये हमारा अधिकार है और ये हमारा कर्तव्य भी है। आप आज पूरे परिवार के साथ आई हैं, आपको लगता है मुद्दे कौन कौन से ऐसे हैं, क्योंकि आप तो बहुत से चुनाव में वोट डाली होंगी? मुद्दा तो राष्ट्र का हित है और जो विकास करेगा, जो अच्छे काम करेगा, उसको ही वोट देना चाहिए जी। और बेटा है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं, आप आज वोट डालने आए हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं पूरा परिवार मौजूद है, एक अनोखी तस्वीर भी है हमारे सामने, क्या कहेंगे? मेरा पांचवा वोट है, हम लोग की शादी अभी एक साल पहले हुई थी और शादी होते ही मैंने इनको बोला कि भाई सात वोट करेंगे दोनों लोग साथ में, तो इनका वोटर आईडी कार्ड शिफ्ट कराया गया अभी से 10 महीना पहले, हम लोग यही हिसाब लगा रहे थे। तो अगर आपका वोट इस बार रह गया है तो अभी से लग जाइए, जैसे अगले चुनाव के लिए, अगर आप घर में सक्षम हैं, आपके पास सामान है, आपके पास गाड़ी है, किसी नेबर के पास नहीं है सुविधाएं, उसको लेके जाइए, वोट कराइए और किसी को वोट डालिए, जिसको वोट करिए, आपकी जो है एबिलिटी अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करनी तभी आती है जब आप यहाँ इसके हिस्सेदार बनते हैं, अब जब एक रोल प्लेयर बनते हैं उसमें। हम इस पूरे परिवार में देख रहे हैं, यूथ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, तीन पीढ़ियां हैं पूरी, ये पूरा रोचक कॉम्बिनेशन। अगर परिवार साथ में नहीं आएगा, और हर घर में होती तीन पीढ़ियां, दिखती सबकी एक पीढ़ी दो पीढ़ी है,
सबके घर में तीन तीन पीढ़ियां हैं, बच्चे नहीं आ पाए दिल्ली से, बच्चे गुड़गांव में छुट्टी नहीं मिली। अगर आपके बॉसेस आपको छुट्टी नहीं दे रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन करिए। बिल्कुल, हम लोग अपना ऑफिस बंद करके रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अब नहीं करूंगा तो बात ये, मैं अगली जनरेशन क्या सिखाएंगे। आप अगर जो है उसको जो है हिस्सा तोड़ेंगे, और ये चेन है, अगर आप चेन तोड़ देंगे तो अगली जनरेशन करेगी, पापा भी नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। बिल्कुल वाली बात है। इस परिवार में बहू भी है और बेटी भी है। पहले बहू से पूछेंगे, आपका पहला वोट होगा यहाँ पर, किस तरीके से देखती है पूरे परिवार के साथ? आपकी माता जी भी हैं और आपकी ग्रैंड वो दादी भी हैं। जी हमारे घर में तो एकदम त्यौहार की तरह का दिन है आज, जैसे होली दिवाली जैसे मनाते हैं उतने ही उत्साह से और उतनी ही खुशी से हम लोग आज का दिन भी मना रहे हैं। और मैं सबको ये बोलूँगी कि इसी तरीके से इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके सब लोग इसी तरीके से अपनी आज का दिन भी गुजारें, इसको त्यौहार की तरह देखें, तो सब खुशी खुशी सब आएंगे, पूरा परिवार आएगा। आप बाहर से आई हैं दिल्ली से वोट डालने, क्या सोचा था आपने कि इस लोकतंत्र में कैसे? देखिए मैं दिल्ली में रहती हूँ पर मैं हूँ यूपी की ही, मैं लखनऊ की हूँ, तो बस वापस घर आए हैं हम अपना वोट डालने के लिए, बस इतनी सी बात है। बेटी भी है साथ में मौजूद, आज पूरा परिवार हम देख रहे हैं तस्वीरों में, क्या कहेंगी इस लोकतंत्र के पर्व पे? मैं तो ये कहूँगी कि मैं यूपी की बेटी हूँ और लखनऊ के अलावा 7-8 अलग अलग जहाँ जहाँ मेरे पिताजी पोस्टेड रहे वहाँ रही हूँ, और आज मैं बहुत खुश हूँ ये जान करके कि जो मुद्दा है इस बार विमेन सेफ्टी का मुद्दा है, तो मुझे बड़ा अभिमान है इस बात पर कि आज यूपी में इलेक्शन विमेन सेफ्टी पर, विमेन सिक्योरिटी पर लड़ा जा रहा है, तो इससे ज़्यादा मतलब प्राइड का मोमेंट एज अ वुमन मेरे लिए हो नहीं सकता। मुद्दा आपके लिए महिलाओं का ही? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए जो भी जिनने भी काम करा है बस हम उन्हीं को वोट डाल के आए हैं, और आप भी इसी सोच के तरफ बढ़े तो यही मेरी उम्मीद है। जी थैंक यू सबके लिए। अद्भुत तस्वीर ये हमारे सामने मौजूद है जहाँ पर एक पूरा परिवार तीन पीढ़ी मौजूद है यहाँ पर, जिसमें ग्रैंड मदर से लेकर बेटी बहू बेटे सब मौजूद हैं, और आज ये वोट कास्ट कर रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद हैं। ये तस्वीर जिस तरीके से निकल कर सामने आई है, साफ तौर से मतदाताओं के लिए भी एक उम्मीद है कि इसी तरीके से लोग मत करें। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव आज तक।